राम राम भाई, सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई भिवानी हाँ उड्डा पार्क पर एक प्रोग्राम हो रहा है, गुरु रविदास जयंती जो है मनाई जा रही है और फिलहाल मेरे साथ मौजूद किशन जी हैं और इस साइड कुर्सी जो है कम पड़ गई इसलिए भाई नीचे बैठे हैं और छाया में बैठे हैं, छाया जो है सुहाण लगी। किशन जी आज प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहना इसके बारे में? बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है जी, इसके लिए बहुत खुशी है कि सारा चमार चमार समाज है एक हो रहा है, एक होने की कोशिश में है, पूरे पूरे सब एक होंगे, पंजाब से हरियाणा से सभी के सभी एक हों, हम तो यही इच्छा ही करते हैं। आगे ना जाओ। नमस्कार जी, जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से आगे? गुजरानी गांव से। गुजरानी से, हाँ जी। तो नीचे बैठे हो, कुर्सी को नहीं मिली? यहाँ पे आनंद है, आनंद है, आनंद नीचे धरती पे बैठना आनंद है, बिल्कुल आनंद है। हाँ हाँ हाँ, आनंद है। चलो, और गर्मी भी हो रही है? गर्मी हो रही है, आनंद ही आनंद है जी नीचे बैठने के। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा भी होना चाहिए आज जो है जयंती मनाई जा रही है। जयंती का पर्व है ये, पर्व पर्व। अच्छा, 24 तारीख की है ना जयंती? 24 को भी है, आज आज भी मनाई जा रही है। अच्छा, हाँ जी। आज मतलब किस उद्देश्य से? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारे मन की भावना के तौर तरीके से ये प्रोग्राम की होना चाहिए। अच्छा, कभी भी मना सकते हैं? कभी मना सकते हैं, मन के अंदर खुशी। अच्छा अच्छा, हाँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से आगे जी? गाँवपुर से। पूरे पुरशिवाड़ा? पुरशिवाड़ा। अच्छा अच्छा, चलो श्यामी आ जा भाई। अच्छा, उसका बारे में बताओ जी, जैसे मन चंगा कटौती में गंगा, संत गुरु रविदास ने कही थी, तो क्या मतलब? वे परीक्षा ले दे, परीक्षा ले दे, उसने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो सुमरण करे वो गंगा उसके द्वारा आ जाती। अच्छा, जो पंडित जी ने कहा था ना, वो राजा ते ही विलायक कंगन दे, जब वो कंगन विलायक गंगा प्रकट हो गई थी कटौती में, उसमें हाथ काट के दे दिया था, वो राजा ती दे दिया जाके, वो पंडित शर्मंदा वगैरह करे, वो धोखा करा था उसने जी। कुछ ये कह रहे हैं कि जन्म 1400 ईस्वी या 1500-1300 सही जन्म कद हुआ था गुरु रविदास? वो जन्म का देख भी राघव नहीं कद हुआ था ना। हाँ भाई, हमने तो इसकी फोटो फोटो देखे हैं, बस कथा सुनी है, कहानी सुनी है। अच्छा अच्छा, हाँ बस ये सुने, भजन बढ़िया। अच्छा, जो बता रहे हैं कि गंगा उल्टी बाधी थी, उल्टी किस तरह थी? वो जो गंगा आई दिन की थे, हाँ। वो एक साइड में पंडित जी नहा रहे थे, बोला जो है सूद जाति का जो इस साइड नहा है, तो उस साइड नहाने लग गया, वह गंगा उल्टी बहन लगी। फिर मेरा बेटा उन्हें तो भाई कोई भगवान है या गंगा उल्टी चल पड़ी थी, जब चली थी वह। अच्छा, नो बात थी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक हो? ठीक है, बढ़िया। अच्छा, कहाँ से आगे? गांव सावड़ से। सावड़ ने गुरु रविदास कमेटी से। कमेटी से, हाँ सावड़ से, उसका हम पहली बार उसको मना रहे हैं। हाँ, इसी बार जो जो 24 तारीख आओगी उसको मनाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी। अच्छा, गुरु रविदास की कुछ एक आधी बात बताओ जी। गुरु रविदास में जो अनेक के गुण थे, उन्हें कई जैसे गंगा का बारे में बताया है, और कुंड से वो निकालना तो बहुत आई ऐसी समस्या ऐसी बहुत बढ़िया बताई उन्हें, सारे जैसे हमने एक सबको एक करने की कोशिश की, उन्होंने एक करने की कोशिश की। ठीक बात, जी जी जी। कहाँ से आगे जी? पहले तो भाई स्टार सुंदर, हाँ सुंदर न्यूज आप चैनल भी सब्सक्राइब कर रखे। अच्छा, देखा बिक रहा शनिवार जाकर था ना, उस टाइम तो फॉलो करा भाई आपने। अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद। मतलब देख रहे भाई लोग सुंदर भाई अभी आ रहा। हाँ सुंदर, आप जैसे का प्यारा आशीर्वाद है तो भाई, ये नुए है, ये तो जीवन का सिस्टम है, सुंदर भाई चलना चाहिए, प्यार ही जरूरी है दुनिया में। तो सर बताओ, आज जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना? जयंती तो सुंदर भाई 24 तारीख की आज भी मनाई जा रही है। आज भी मनाई जा रही है भाई, ऐसा है भाई, यो समाज के लोगों को इकट्ठा करके चेताया जा रहा है भाई। हर वर्ग अपने अपने संत महात्मा को याद करता है, तो इस समाज का भी हक बनता है भाई, याद करते चलो। पहले बूढ़े हुआ करते भाई, बताया करते, पढ़े हुआ करते, इतना ज्ञान नहीं था, अब पढ़े लिखे इंसान हो गया, उनका दिमाग काम करे, दूसरों को समझा हुआ है, तो समझा होगा भैया के लोग बढ़े लिखे हैं, पता लगेगा बातों का, कैसे हमारे महापुरुष हुआ करते, उन्होंने भी बलिदान दिया हुआ है।
तो उसे के ये पहले समझाऊंगा भाई और जयंती तो 24 तारीख है सुंदर भाई। तो बात ही भाई कर सुंदर भाई कुंगड़ से भाई साहब हाँ जी कुंगड़ बहनी तो काफी आ रहे हैं। हाँ काफी लोग आ रहे हैं और बहुत खुशी से आ रहे हैं, बहुत उत्साह से खुशी हो रही है। बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, प्रोग्राम बहुत ज्यादा बहुत जो है भाई खुशी हो रही है। बिल्कुल आ जाओ इस साइड भी जो है बात कर लेंगे। अभी खरीदा है जी? हाँ जी हम चाहते हैं हर घर में सुविधान हो, हर घर में सुविधान हो, घर घर में बच्चे को सुविधा शुरुआत से हम बताएंगे तभी हमें पता चलेगा। सुविधा के बारे में कभी कुछ नहीं जान लोगों को, अब सुविधा को बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। घर के लिए सुविधा होना चाहिए। आपने भी अभी खरीदा है? हाँ जी बिल्कुल भाई, घर घर संविधान, हर घर संविधान, हर घर संविधान, ये लक्ष्य है हमारा। चलो धन्यवाद जी, आ जाओ। तो भाई कितना आई है? सोनीपत से। सोनीपत से स्पेशल सोनीपत से आई हो? अच्छा अच्छा चलो भाई साहब राम राम। कहाँ से? रोहतक। रोहतक से आए हो आप भाई? रोहतक से। अच्छा रोहतक से स्पेशल इस प्रोग्राम में? हाँ। अच्छा अच्छा की करना है प्रोग्राम को लेके? प्रोग्राम को लेके क्या बताऊँ, इसमें अच्छी चीज है, लोग अपने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भीड़ प्रोग्राम तो फिर वहाँ पे हो रहा है। आप गाड़ी में बैठे हो तो वहाँ पे जाना चाहिए ना? थोड़ी गर्मी है तो अभी थोड़ी देर के लिए आ गए यहाँ पे। अच्छा अच्छा गर्मी है, अभी वहीं बैठे हो तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ गए। अच्छा अच्छा गर्मी हो रही है, आ जाओ इस साइड आ जाओ भाई साहब जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी। जी अपना एक बार परिचय दो। मोक्ष खंडेलवाल है मेरा नाम, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैं सोनीपत से आया हूँ। कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से। सोनीपत से जी। तो सर आज प्रोग्राम में आए हो, कितनी खुशी है, के कुछ कहना है पूरे प्रोग्राम ने लेके? बहुत खुशी है, पहली बार ऐसा मौका मिला है कि इतने लोग अपने भाईचारे इकट्ठा हुआ है इतना, और गुरुजी के नाम पे सारे के सारे भाई आए हैं और वो सारे गुरुजी आए हैं जिनके हम प्रवचन सुनने यहाँ पे आए हैं। तो बस इंतजार में है कि कब गुरुजी प्रवचन दे और हमें शिक्षा हम उनसे ले। ये रविदासिया क्या होते हैं जी? क्या जी? रविदासिया जी। ये चमार है ना, चमार समाज से जी, ये रविदास बोलते हैं। अच्छा हाँ जी। तो ये बेचारे हैं जो समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे, सरपंच साहब भी। चलो अपना एक बार परिचय दो। फतेहगढ़ दलवीर। प्रदीप जी चांग, प्रदीप गंगा चांग। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भिवानी, गुरु रविदास सुभाष चांग जी। जी बताओ। गांव चांग से गुरु रविदास आगे वर्कर सभा। संत श्रेवणी गुरु रविदास सभा रजिस्टर्ड चांग का जनरल सेक्रेटरी। रमेश कुमार गांव चांग से, चांग से। गुरुदास सभा के लिए काम कर रहे हैं और लेक्चरर पोस्ट पे जी। विक्की अलवास से। अलवास से कहाँ से? तो जेवली, महावीर जेवली से। हाँ जी ब्लॉक बालडा। बालडा सुई से। छिलर से गांव सुई से। भाई कहाँ से? मनीष सिंह मार भिवानी से। रोचा सिंह बलाली हरियाणा रोड। राजकुमार फतेहगढ़। फतेहगढ़। तो भाई जो पीछे जो है प्रोग्राम चल रहा है और इस साइड जो है चांग से काफी भीड़ जो है आई हुई है, तो सबसे पहला तो इस प्रोग्राम को लेके क्या कहना जी वो बताओ। सबसे पहले तो मैं गुरु रविदास जी के 647वें प्रकाशोत्सव पे सभी को बधाई देता हूँ, और जो प्रोग्राम इस कमेटी ने करवाया है, जो मेहनत इन्होंने की है, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। आगे भी समाज को जागरूक करने के लिए इस टाइप के प्रोग्राम समाज में होते रहने चाहिए। जी जी जी। समाज में काफ़ी कुरीतियाँ थी, जैसे बाल विवाह हो गई या छुआछूत हो गई, या समाज को विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने का काम गुरु रविदास जी ने किया। और उनके मैं चाहूँगा कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारा समाज आगे बढ़े और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बताए मार्ग पर काम करें। जी जी। तो सर सरपंच साहब जो बता रहे हैं कि गुरु रविदास में जो है अपार शक्तियाँ थी, तो एकाधिक कुछ इसी बात बताओ ताकि देखने वाले हैं उनको भी अचंभा हो कि गुरु रविदास जी ने ये किया। सबसे पहले तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 647 में प्रकाश वर्ष को समर्पित जो ये कार्यक्रम जो इस सभा ने किया है, ये बधाई के पात्र हैं। जो इतने व्यवस्थित तरीके से प्रोग्राम इनका चल रहा है और समाज के हर वर्ग, छोटे बड़े बुजुर्ग, सभी बढ़ चढ़ के गुरु जी के चरणों में अपने पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सारे समाज को गुरु रविदास जी के
चरणों में नमन है। और आप जैसे बात कर रहे हैं कि उनकी अपार शक्ति की बात कर रहे हैं, गुरु रविदास जी बहुत ही वैज्ञानिक तर्क के संत थे। अपार शक्ति का मतलब होता है कि हम उन चीज़ों को चमत्कार समझते हैं जो आम आदमी में नहीं होती। गुरु जी के चेहरे का तेज, उनकी जो सकारात्मक सोच और समाज को सुधारने की जो शक्ति थी वो सबसे अलग थी। वो ऐसे संत थे जो भी कोई बुरा व्यक्ति, बुरी सोच वाला व्यक्ति उनके पास बुरे विचार लेके भी जाता था तो उनके प्रताप से, उनके सामने मत आने से ही उसकी बुरी सोच अच्छी सोच में परिवर्तित हो जाया करती थी। तो यही शक्तियाँ थी कि जो सच्चाई की सोच, जो अच्छाई की सोच वो समाज में फैलाना चाहते थे, वो जहाँ भी जाते थे उनकी शिक्षाएँ उनके साथ जाती थी और वो शिक्षाएँ लोगों के मन में घर कर जाती थी। यही चमत्कार होता था कि कोई संत कोई अच्छाई का रास्ता दिखाए और बुरा व्यक्ति भी उस अच्छाई के रास्ते को अपना ले। यही शक्ति होती है, यही चमत्कार होता है। सर एक बारी, अच्छा अच्छा अच्छा, और भी बैठे हैं कि भीतर आओ जी, आओ आओ। सर नमस्कार, परिचय दो जी। मैं डाणा लाडनपुर से आचार्य दलवीरानंद। अच्छा डाणा लाडनपुर। हाँ जी। चलो अच्छा सर, जो है एक दो जैसे मैंने भी किस्से सुने हैं जो जो बोलते हैं गंगा उल्टी बात थी, वो किस तरह था, मतलब उल्टी कैसे भाई वो गंगा? पहली बात तो ये है सर, रविदास की वाणियों को समझना बहुत एक कठिन रेयर केस होता है। उल्टी गंगा मैं ये कहूँगा, जो हमारी सूरत है ना, जब ये इस दरा के ऊपर आई इसको चढ़ाना होता है। आप गंगा की बात करो बाहर, क्योंकि घट ही में गंगा घट ही में जमुना, रविदास ने कहा है। हम किसी बाह्य आडंबर की रविदास जी महाराज जी बात नहीं करते। रविदास महाराज कहते स्वयं को जानना, स्वयं प्रकाशवान होना। वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं आए थे, वो सर्व जाति के लिए आए थे। और उनका जो संदेश था, उनका संदेश यही था कि सारी की सारी मानव जाति वो एक धरा के ऊपर सच्चे अपने प्यार प्रेम से रहे। यानी उसने जातीयता का, अंधविश्वास का, पाखंडवाद का घोर विरोध किया। और उनके संपर्क में कोई भी आया तो अपने एक आशीर्वाद की किरण के द्वारा उसका कल्याण किया। अच्छा वो भी सच्चाई है कि छाती पाड़ के जनेऊ दिखाई थी, क्या कहना? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं रापी लीनी हाथ में चीरा अपना अंग, अंतर जनेऊ काट दिखाए की पर भय चित भंग, कि वो जनेऊ हमारे आंतरिक सिस्टम है। ये बार का जो रहस्यवाद है ये बार में डाल दिया उन्होंने। अच्छा। लेकिन उनकी जो शिक्षा है ना, उनकी शिक्षा एक आंतरिक शिक्षा है। नहीं बता रहे हैं कि छत्ती पाड़ के दिखा था, ये हकीकत है? ये हकीकत तो देखो शास्त्र तो बोलते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि आज एक प्रेजेंट युग है और उस जमाने का जो युग था तो उन्होंने जो भी लिखा किसी ने कहा देखो मानना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये बात होती है। मैं बताता हूँ कि हमारे रजिस्टर्ड सभा है चांग में, संत शिरोमणि गुरुदास सभा रजिस्टर्ड है। और हमें एक सप्ताह पहले वहाँ जाके सुबह प्रभात फेरी निकालनी शुरू कर रखी है। और उसमें गांव में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। हमें जो 24 तारीख को मेन प्रोग्राम होगा उसमें सबको आमंत्रित कर रहे हैं। अच्छा। सबको बुलाएंगे, सभी आएंगे, सभी आएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हाँ, आ जाओ। वाह भाई, राम राम जी। राम राम भाई, कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया भाई साहब। अच्छा क्या नाम बताया था? मनीष सिंह मार, भिवानी से। भिवानी से। जैसे भी जैसे उनका दोहा है कि रविदास मानुष बसुन को सुख हद उठाऊ, एक सुख स्वराज दे दूजा मर घटगाओ। रविदास जी कहते हैं मानव जाति को इस धरती पर दो ही सुख है, एक तो अमर जाओ शमशान घाट में चले जाओ, दूसरा राजपाट ले लो। तो गुरु रविदास जी ने राजपाट की बात कही है, जो काशीराम साहब कहते आए हैं, बाबा साहब कहते आए हैं, बाबू जगजीवन राम जी कहते आए हैं। राजपाट की बात गुरु जी बहुत पहले कह चुके, भाई सुख राजपाट में है या फिर मर जाओ शमशान घाट में है, दो ही सुख है। ठीक है, चलो धन्यवाद भाई। चलो जी बताओ भाई। नमस्कार जी, सबसे पहले स्टार सुंदर न्यूज के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और हम चांग से इस प्रोग्राम में शामिल होने आए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी समय है 24 तारीख को गुरुदास जयंती है और उससे पहले ही प्रोग्राम काफी जगह चल रहे हैं, तो गुरु जी का गुणगान हो रहा है हर जगह, तो ये देखकर बहुत मन को खुशी मिल रही है। प्रधान जी आ जाओ, फिर आप भी आ जाओ, आप क्यों पीछे रहो? और ठीक ठाक हो? हाँ खूब बढ़िया। आपने सुनाओ धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई बताओ जी, के कहना है प्रोग्राम को लेके, कितनी खुशी है? प्रोग्राम को लेके बहुत बढ़िया खुशी है, हमारा समाज इकट्ठा हो रहा है, हमें बहुत इस चीज की बहुत खुशी है। चलो तो जी एक बारी इस साइड आ जाओ। कहाँ से आगे?
हम भिवानी से ही। जी के कहना है जी इस संत श्रोमणी रविदास गुरु जी के? कहना के है जी बहुत अच्छी बात है, हमारा समाज भी जागरूक बना है। जागरूक हो रहा है? हाँ जागरूक हो रहा है बिल्कुल, तभी इतनी लाखों की भीड़ है। गाँव कैरू से भाई। कैरू से कितने का आए हैं? 10-15 बच्चे आ रहे हैं। तो जो रविदास या हो है ये क्यों है जी, कोई मतलब संस्था हो है कि नहीं? ये जो रविदास है, जो संत रविदास जी महाराज थे, उसके जो विचारों पे चलने वाला एक तबका है। अच्छा। उन्होंने इसमें ये नहीं है कि स्पेशली भाई को स्पेशलाइज समाज का इंक्लूड हो, उसके विचारों तो विचार महान थे। वो एक संत महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, सर्व समाज के होते हैं। ठीक है और भाई साहब कैसे? राम राम भाई ठीक हो? हाँ ठीक। बताइए आज जो है जयंती मनाई जा रही है, कितनी खुशी है? बहुत अच्छी बात है जी, समाज को पता लगे, बहुत बढ़िया सोच है जी ये, मतलब हमारा समाज आज इकट्ठा हुआ है, हम तो बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। खुशी मिल रही है? हाँ चलो खुशी है। तो भाई वीडियो ने कर दो शेयर, और कैसी लगी है वीडियो, क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। राम राम सारे भाइयों ने। जय हिंद जय भारत।